अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज का लाल अंकित बना जूनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन घुड़दौड़ प्रतियोगिता का चैंपियन, गया एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। गया जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज प्रखंड के सलैया थानांतर्गत विराज गांव के रहने वाले अंकित कुमार यादव ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के आश्क सेंटर में 20 दिसंबर से आयोजित जूनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन घुड़दौड़ प्रतियोगिता का खिताब जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। खिताब जीतकर आज वापस लौटने पर अंकित का गया एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। अंकित ने बताया कि दृढ़ इच्छाशक्ति के बदौलत किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है। वह पिछले 2 वर्षों से रांची में रहकर इस प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था। वह इस प्रतियोगिता के लिए 3 माह पूर्व नई दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में क्वालिफाई हुआ था। उसने आगे बताया कि मुझे बचपन से ही घुड़सवारी का शौक था। जब कुछ बड़ा हुआ तो मेरी भावनाओं को समझकर मेरे पिता ने मेरी सोच को बढ़ावा देते हुए मुझे रांची के उत्कृष्ट संस्थान में दाखिला दिलवाकर उत्कृष्ट कोच को प्रशिक्षक नियुक्त किया गया। अंकित ने बताया कि वह इस क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश को मेडल दिलाना चाहता है। मालूम हो कि अंकित के पिता मुखदेव यादव गया जिले के प्रख्यात समाजसेवी और पर्यावरण प्रेमी हैं। आगमन के समय एयरपोर्ट पर मौजूद राजद नेताओं वीरेंद्र गोप, विनय कुशवाहा, अजय दानगी, विश्वनाथ यादव तथा सुभाष यादव ने अंगवस्त्र तथा बूके देकर स्वागत और अभिनंदन करते हुए कहा कि अंकित ने इस प्रतियोगिता में मेडल जीतकर न सिर्फ अपने माता पिता, समाज और मगध क्षेत्र का नाम रोशन किया है, बल्कि इस प्रतियोगिता में बिहार झारखंड का मेडल जीतने वाला अंकित पहला युवा है। उसके इस उपलब्धि से हम सब गौरवान्वित हैं। अंकित के स्वागत में गया एयरपोर्ट पर अंकित की माँ श्वेता मणि, सत्येंद्र यादव, अजय साव, मोइन आलम, डी के गाडेल, रविन्द्र कुमार यादव, रामस्वरूप यादव, महेश पासवान, प्रतिभा कुमारी, मंजू कुमारी, नीलम पासवान, विनय कुमार, दिव्यांश यादव, रवि रंजन निले सहित सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित थे। दिक्कत तो बहुत आ रही थी क्योंकि जब हमें ले गए तो रात का समय था और पूरे पैदल चला रहे थे। कितने किलोमीटर लगभग पैदल? लगभग मे बी 5-6 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर एकदम टॉप फ्लोर पे ले गए थे। कैसा व्यवहार कर रहे थे? बहुत गंदा था। क्या कहते थे? बस धमकी देते थे, पैसा नहीं आया तो जान मार देंगे, नहीं तो फिर तुम घसीट के पार्टी में ले चलेंगे। किस तरह का हथियार वो रखते? हथियार तो अब किस तरह का बताया, वो हथियार तो पहले मैं देखा नहीं था कभी। मन में क्या भावना उस समय कि परिवार से फिर मुलाकात होगी नहीं होगी? ये तो ऑब्वियसली है कि भावना तो हो रही थी कि भाई ठेकेदार क्या करेंगे, कंपनी वाले क्या करेंगे, ये लोग बार बार आते थे, बोले पैसा नहीं मिलेगा मार दो, ये लोग नहीं पैसा नहीं देंगे मार दो। तो ऐसा लगता था आपको पुलिस पहुँचेगी? पुलिस का क्या सहयोग रहा इसमें? हमको तो पुलिस पर पूरा भरोसा था क्योंकि हम वहाँ पर आज लगभग फरवरी से ही काम हम वहाँ पर हैं और हमारी CRPF और हमारी जो वहाँ पर पुलिस है थाना जो हैं तो हमारा वहाँ भी अच्छा उससे पकड़ है, बातचीत भी हमसे होती थी हमेशा। उन्हें को लगता था कि और वो लोग भी बात करते थे अपने में बात करते थे कि पुलिस का बहुत बड़ा प्रेशर है बहुत। तब जब भी वो लोग आते थे मेरे पास अपने में दोनों में बात करते थे कि बहुत फोर्स भरी हुई है चारों तरफ, हम लोग बच नहीं पाएंगे। आपको अकेले रखे हुए थे वो, ये आपके साथ भी उन लोग थे? कोई हम थे और वो लोग दो जन थे। तो जब आपको दो लोग और साथ में पकड़े थे तो आप वो दोनों को छोड़ दिया, आपको क्या कह के लेके गए? आपको बोले कि मतलब मेरे को बोले कि इसको लेके जा रहे हैं, आप लोग पैसा लेके आओ, 24 घंटे के अंदर इनको छोड़ देंगे। पुलिस पर भरोसा दिख रहा है 100%। खाना दिया 5 दिनों में? खाना पीना देते थे? नहीं कुछ ना पीना, कभी बिस्किट वगैरह कुछ ऐसा दे देते, पानी मांगने पर बोलते चुप रहो चैन से बैठो, खांसी मेरे को थी, खांसते थे तो बोले मुँह बंद करो, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये मतलब आपके जो छोड़ा है उन लोग पुलिस का पूरी? हाँ जी, पुलिस के कारण पूरे पुलिस का शुक्रगुजार हूँ इसके मैं, तो आज हम सही सलामत आप लोग के सामने हैं और बड़े बड़े अधिकारी के बगल में बैठे हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। दिनांक 24/12/23 की रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ नक्सलियों के द्वारा लुटुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत असुराइन रोड में पुल निर्माण में लगे कंपनी के कर्मचारियों को अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई तुरंत इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा
जो अपहृत है उनकी बरामदगी के लिए तुरंत जो वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी है, गया पुलिस है तथा एसटीएफ है, इनकी टीम्स को बना करके जो अपहृत है उनके खोज के लिए तुरंत टीम निकाली गई तथा छापेमारी के लिए टीम निकाली गई। लगातार इस संबंध में जो वरीय पदाधिकारी हैं हमारे द्वारा, सिटी एसपी गया के द्वारा तथा जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज़ के जो अन्य वरीय पदाधिकारी हैं उनके द्वारा वहाँ पर उस ऑपरेशन का मॉनिटरिंग किया जा रहा था तथा उस क्षेत्र में जाकर के अभियान चलाया जा रहा था। इसी पुलिस के दबिश से और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की दबिश से लगातार जो नक्सलियों के द्वारा अपना ठिकाना बदला जा रहा था और इस संबंध में लगातार जो कार्रवाई की जा रही थी उसमें बुसिया, असुराइन, हल्दिया, डुमरी तथा डुमरी नाला के पहाड़ियों में खोज किया गया था और पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों की दबिश के कारण नक्सलियों के द्वारा इनको सकुशल छोड़ दिया गया है और बिना किसी फिरौती की रकम के इनको छोड़ा गया है। और जो इस संबंध में जो भी लोग शामिल हैं इस घटना को कारित करने में उनकी शिनाख्त हुई है और जो इन्फॉर्मेशन है अनुसंधान के क्रम में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी भी कार्रवाई हमारी जारी है और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कितने नक्सली आए थे जो इनको अगवा करके ले गए थे, उनकी संख्या क्या थी? देखिए अभी अनुसंधान इसमें चल रहा है, कई सारे जो मतलब नए तथ्य इसमें आएंगे, लेकिन अभी तक जो प्राथमिक जो जानकारी प्राप्त हुई थी और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि तीन जो व्यक्ति हैं वो इनके पास आए थे और हम लोग लेकिन उनके अन्य सहयोगियों की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। इसको लाग कैसे छोड़ सकते हैं? हम लोगों ने जैसा कि आपको बताया कि लगातार छापेमारी कर रहे थे जिसके कारण उनको वो देख रहे थे कि लगातार पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है तो उसके बाद डर के मारे उन्होंने छोड़ दिया। नक्सली कार्रवाई इसको कैसे मान रहे हैं, नक्सली कार्रवाई कैसे? जो इसमें एक व्यक्ति का नाम आया है और जो आपके साथ भी शेयर किया गया है वो पूर्व में वो कई सारे नक्सल मामलों में वो सम्मिलित रहा है और उस पर बिहार सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है और साथ में झारखंड सरकार के द्वारा भी 10 लाख रुपए का इनाम उस पर घोषित है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि उस संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त होती है जिससे उसके पकड़ने में मदद मिलती है तो वो हमें दें, हम लोग उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे और जो इनाम की राशि है वो उनको दिया जाए। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अनुसंधान के क्रम में कुछ लोगों के नाम आए हैं और उसके आधार पे आगे कार्रवाई की जा रही है। तो इन्होंने क्या क्या बताया, कैसे इनको रखा, मारपीट किया, किस तरह से रखा था? जैसा कि आप इनके द्वारा बताया गया है कि इन्हें वहाँ पर जबरदस्ती रखा गया था और उसके बाद फिर वो डेली एक एक दिन के बाद फिर जगह जो क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर उसको रात्रि में शिफ्ट कर जाते थे। कंपनी की तरफ से कुछ पैसा भी देने की बात है? अभी तक तो बिल्कुल नहीं, इसमें हम लोग बिल्कुल स्पष्ट हैं, जो हमारे हम लोग के पास जो सूचना प्राप्त है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बाकी कंपनी से खुद पूछ सकते हैं। 30 लाख जो फिरौती जो मांगा गया वो किस कैसे मांगा, इनसे मांगा गया कंपनी से मांगा? जैसा कि हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि जब वहाँ पर कर्मचारियों को 3 कर्मचारियों को उनके द्वारा ले जाया गया था जिसमें से 2 कर्मचारियों को उनके द्वारा छोड़ दिया गया था और उनके माध्यम से ही बोला गया था कि इस प्रकार की जो बात है जो फिरौती की रकम है वो उनके माध्यम से मांग लीजिए। इन्हीं को क्यों ले गए, 2 और क्यों नहीं ले गए जिसके बाद कुछ आप लोगों को अनुसंधान? अभी तो ऐसा कुछ इस संबंध में कुछ नहीं बताया जा सकता है लेकिन 2-3 लोगों को जो ले गए थे उसमें 2 को उनके द्वारा वहीं पर छोड़ दिया गया था परंतु 1 व्यक्ति को ले गया था।